हेलो फ्रेंड्स, आज मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ मेथी मटर मलाई, जो कि एकदम ढाबा स्टाइल हम बनाएंगे और बहुत ही इजी रेसिपी है, बहुत ही फ्लेवरफुल है और अभी सीज़न भी अच्छा चल रहा है, फ्रेश मेथी और मटर भी मिल रहे हैं। तो चलिए शुरू करते हैं आज की ये रेसिपी। अगर आप मेरी चैनल पे नए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो ढाबा स्टाइल मेथी मटर मलाई बनाने के लिए हम एक पैन गरम करेंगे, उसमें डालेंगे हम एक बड़ा चम्मच तेल। तेल जब हल्का सा गरम होने लगे तब उसमें डालेंगे हम 8 से 10 काजू और हरी मिर्च, ये अपने हिसाब से सेट कर लें। ज़्यादा तीखा खाते हैं तो ज़्यादा डालें। इसको हम चलाएंगे और साथ में डालेंगे 1/4 कप चॉप्ड अनियंस। इसको हमें सौते करना है जब तक कि थोड़ा हल्का सा ब्राउन होने लगे। और साथ में डालेंगे हम 1 टेबलस्पून जिंजर, बारीक कटी हुई जिंजर है, और चुटकी भर नमक डालकर अब इसको हम सौते करेंगे ताकि वो पानी छोड़ दे प्याज और अच्छे से पक जाए और हल्का सा ब्राउन होने लगे। तो हमारा प्याज हल्का सा ब्राउन हो गया है। अब इसमें हम डालेंगे 2 मीडियम साइज टमाटर जिसको मैंने काट लिया है। इसको हमें एकदम गल जाए तब तक हमें इसको पकाना है। तो अब थोड़े से टमाटर सॉफ्ट हो गए, अब मसाले डाल देते हैं। तो मैंने यहाँ पर डाला है 2 चम्मच धनिया जीरा पाउडर, 1/4 टीस्पून टर्मरिक पाउडर और 1/4 टीस्पून रेड चिली पाउडर और 1 चम्मच ड्राई मैंगो पाउडर यानी कि आमचूर पाउडर। इससे बहुत ही अच्छा टेस्ट आता है। तो इसको हम डाल देंगे और इसको अच्छी तरह मिला लेंगे और सौते करेंगे जब तक कि थोड़ा सा हल्का सा तेल छूटने ना लगे। तो अब हल्का सा तेल उसका छूटने लगा है, इसको हम ब्लेंडिंग जार में निकाल लेते हैं और ठंडा होने के लिए छोड़ देते हैं। इसी कढ़ाई में हमें ये जो मेथी है मैंने बारीक काट ली है अच्छे से धो के साफ करके, तो इसको हम इसमें रोस्ट कर लेंगे। तो ये जब तक कि थोड़ी सिकुड़ जाए तब तक हमें इसको रोस्ट करना है। अब ये हल्की सी सिकुड़ गई है, इसका कड़वापन चला जाएगा ऐसे करने से, तो इसको हम साइड में निकाल लेते हैं। तो आप देख सकते हैं इसका कलर भी अच्छा है और इसका जो कड़वापन है वो थोड़ा सा कम हो गया है। अब इसी पैन में हम 1 चम्मच तेल डालेंगे। तो तेल जब गर्म हो जाए उसमें हम डालेंगे 1 चम्मच जीरा। जीरा थोड़ा सा क्रैकल होने लगे फिर हम इसमें डालेंगे ये जो पेस्ट है जो हमने मिक्सी जार में निकाली थी, इसमें थोड़ा सा पानी डालकर इसको ब्लेंड कर देंगे। और देखिए बढ़िया सा कलर इसका है और बहुत ही सुंदर लग रहा है। तो इसको हम तेल में डाल देंगे और इसको अच्छे से फ्राई करेंगे। 2 मिनट के लिए इसको हम पकाएंगे ताकि इसमें से थोड़ा थोड़ा तेल छूटने लगे। मीनवाइल हम इसमें डाल देंगे ये ग्रीन पीस यानी कि हरे मटर जिसको मैंने थोड़ा सा बॉईल कर लिया था, और ये मेथी जो हमने रोस्ट की थी वो डाल देते हैं। इसको अच्छे से मिक्स कर लेंगे और इसको तब तक पकाएंगे जब तक कि इसमें से तेल छूटा ना पड़ जाए। तो तेल भी छूटने लगा है। अब यहाँ मैंने 1 कप दूध लिया है, उसमें थोड़ी सी मैं ग्रेवी डाल दूँगी ताकि दूध फटे नहीं, और फिर बाद में हम इसको कढ़ाई में डालें। ऐसा करने से वो दूध एकदम से फटता नहीं है और अच्छे से ग्रेवी आपकी एकदम गाढ़ी हो जाएगी। अब इसको मिक्स करके 2-3 मिनट इसको पकाना है। तो इसमें अच्छा सा बॉईल आ गया है और आप देख सकते हैं इसमें थोड़ा सा ऑयल भी आपको ड्रॉपलेट्स दिख रहे हैं। तब इसमें डालेंगे हम कसूरी मेथी, इसको मैंने हाथ से क्रश कर लिया है, ये बहुत ही अच्छा फ्लेवर देगा। और साथ में डालेंगे गरम मसाला पाउडर और नमक स्वाद अनुसार, पहले भी हमने नमक डाला था, और 1/4 कप क्रीम। इसको डाल के अच्छे से मिला लेंगे और एक उबाल आने तक इसको हमें पकाना है। तो आप देख सकते हैं एक उबाल आ चुका है और ये हमारा ढाबा स्टाइल मेथी मटर मलाई बनकर तैयार हो गया है। तो फ्रेंड्स, है ना बिल्कुल आसान सी रेसिपी। इसको आप राइस के साथ, नान के साथ या फिर तंदूरी रोटी के साथ इसको आप सर्व करें और बहुत ही फ्लेवरफुल डिश है, आप इसको एंजॉय करें। और आपको ये वीडियो कैसा लगा ये कमेंट में लिखकर ज़रूर बताएं।
और वीडियो को लाइक करना ना भूलें और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। मैं आपको फिर मिलूंगी एक नई रेसिपी के साथ। टिल देन, बाय बाय।